नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जयेंद्र ज्ञानू है। मैं एक ENT सर्जन हूँ और कटिहार के एक ART सेंटर में सीनियर मेडिकल ऑफिसर की तरह काम भी करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर, जो है ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। हम सभी ये जानते हैं कि ORS जब भी किसी को दस्त होती है या उल्टी ज़्यादा होता है या पेट खराब ज़्यादा होता है, तो ORS उसमें सबसे पहले रिकमेंडेशन होता है कि ORS लें। इससे दस्त भी रुक जाएगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगा और सिम्टम भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ORS एक बहुत कॉमन यूज होने वाली दवाई हम कह सकते हैं। इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को मैं सिर्फ आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न ORS के बारे में है, जो बहुत कॉमन कन्फ्यूज़न है, वो दूर हो जाए। इस वीडियो को बनाने में किसी भी कंपनी के द्वारा कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं की गई है और ना ही मैं किसी ब्रांड या किसी कंपनी के अगेंस्ट कोई वीडियो बना रहा हूँ। यह एक नॉर्मल एक ज्ञान है जो सभी को प्राप्त होना चाहिए कि ORS क्या होता है। कि आप देख सकते हैं यहाँ तीन तरह का सॉल्यूशन रखा हुआ है। मैं ब्रांड नेम ले रहा हूँ क्योंकि ये समझाने का मतलब है। इसमें एक है इलेक्ट्रोल का टेट्रा पैक 200 ml का, एक है ORSL का टेट्रा पैक 200 ml का, और एक है पाउडर फॉर्म में जाना पहचाना ORS, जिसे हम इलेक्ट्रोल नाम से भी बहुत कॉमन नाम जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ये तीन तरह के ब्रांड और या ये इस तीन तरह के फॉर्मूला जो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इन सब में जो एक्चुअली ORS है और जिसे यूज़ करना चाहिए, वो है जिस पर लिखा हो ORS बेस्ड ऑन WHO फॉर्मूला। यही ORS फॉर्मूला है जिसे कि हमें डिहाइड्रेशन या ज़्यादा पेट खराब होने पर, ज़्यादा दस्त होने पे, ज़्यादा उल्टी होने पर जिसे यूज़ करना चाहिए। ये जिसे हम ORSL बोलते हैं और इस तरह का और भी ब्रांड है, यह ORS नहीं है। और अगर हम देखें तो कंपनी भी ये लिखती है अपने पैकेट में, रेडी टू सर्व फ्रूट ब्रिवरेज नॉट एन ORS, यानी ये ORS नहीं है, ये ORS की तरह यूज नहीं करना चाहिए। अब इसका कारण क्या है कि ये अलग अलग है। ये अलग इसलिए है क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉल या किसी भी तरह के ORS पाउडर को या इसको टेट्रा पैक को जब हम उसके कंटेंट को देखेंगे, तो उसका कंटेंट जो है वो और इसके कंटेंट दोनों में बहुत अंतर है। हम सबसे पहले ओस्मोलैरिटी देखते हैं जो ORS के लिए सबसे ज़रूरी है। तो ओस्मोलैरिटी 245 होना चाहिए, जिस ओस्मोलैरिटी का इसमें किसी तरह का जिक्र नहीं है। और यह सिर्फ कुछ ही पदार्थों से बना होता है ORS, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट और डेक्सट्रोज। जबकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोडियम पोटासियम के अलावा। जैसे आप देख सकते हैं डेक्सट्रोज होता है, ऑरेंज जूस होता है, एसिडिटी रेगुलेटर है, इसके अलावा फ्लेवर्स है और एंटीऑक्सीडेंट है, टॉरिन है, मैग्नीशियम है, सल्फेट है, लैक्टेट है, जो ओवरऑल इसके ऑस्मोलरिटी को बढ़ा देता है। ऑस्मोलरिटी बढ़ जाने से वह फायदे की जगह और नुकसान कर सकता है, डिहाइड्रेशन बढ़ा सकता है। दूसरी बात यह है कि इसमें सोडियम और बाकी इलेक्ट्रोलाइट का भी कंटेंट ज़्यादा है, जो हमारे ज़रूरत से ज़्यादा है। इसलिए इसे लेने से डिहाइड्रेशन या दस्त के टाइम में हमें और दिक्कत ही हो सकता है, फायदा के की संभावना कम है। तो अब ये कब लेना चाहिए? हम दुकान पर जाते हैं तो बहुत आसानी से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी ORS है और ये भी ORS है। प्लस सुविधा के चलते, जैसे इसे पीना ज़्यादा सुविधाजनक है और पाउडर को बनाना थोड़ा वक्त लगता है और उसे बनाना पड़ता है, तो इसीलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं टेट्रा पैक को। प्लस इस तरह के ड्रिंक में बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, जिस फ्लेवर के चलते भी लोग इसे चूज़ करते हैं, लेकिन इसे चूज़ नहीं करना चाहिए डिहाइड्रेशन के टाइम में। ये कब यूज़ होता है? ये यूज़ होता है एज ए एनर्जी ड्रिंक, या कोई व्यक्ति बहुत बीमार है और वो
बीमारी से उठा है, उसे कमजोरी है, उस वक्त हम इसे यूज कर सकते हैं। और एज ए विटामिन हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, मगर ये सिर्फ और सिर्फ ORS है। इसमें पहचानने का तरीका है कि इसमें लिखा रहेगा WHO बेस्ड ऑन WHO फार्मूला, ORS बेस्ड ऑन WHO फार्मूला। और इसमें भी अगर हम देखें तो लिखा है मीट्स द WHO रिकमेंडेड ORS कंपोजिशन। ORS पाउडर को हम कैसे ORS घोल में बना सकते हैं ये सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे कि इसके लिए 1 लीटर पानी जिसे उबाल कर बिल्कुल ठंडा कर लेना है। ध्यान रहे नॉर्मल पानी, ये जो हम लोग मिनरल वाटर लेते हैं वो नहीं। मिनरल वाटर में मिलाने से फिर वही बात हो जाएगी, उसका मिनरल कंटेंट बढ़ जाएगा और उसका ऑस्मोलरिटी बदल जाएगा। तो 1 लीटर नॉर्मल पानी को हम लोग गर्म करके उबाल के ठंडा कर लेंगे और फिर उस पानी में 1 लीटर में ये पूरा सैचेट मिला देंगे और जो सॉल्यूशन बनेगा उसे एक दिन में यानी 24 घंटे में यूज करना है। 24 घंटे के अंदर उसे यूज कर ही लेना है। साथ में हम नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं और जो नॉर्मल खाना है वो भी खा सकते हैं। तो अब शायद आप सबों को ये समझ में आ गया होगा कि ORS क्या होता है और ORS कैसे पाउडर को बनाया जाता है। और ये एक एनर्जी ड्रिंक है और ये एक ORS है। ब्रांड नेम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है, इसके लिए किसी तरह का कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ना ही मैं किसी कंपनी को या किसी ब्रांड को डाउन करना चाह रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों का काम अलग है और कंपनी खुद लिखती है नॉट एन ORS, यानी ये डिहाइड्रेशन में यूज़ नहीं होगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ।